नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। दो महीने से ऊपर यहां पर बैठे हो गया रीवा के किसानों को मध्य प्रदेश सरकार या देश की सरकार कह रही है ये एक राज्य का आंदोलन है। अब मुझे ये नहीं मालूम ये रीवा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है या पंजाब में है। हालांकि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आज बात दूसरी होगी, कुछ और बातें होंगी। तमाम किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से चाहते हैं ये बताइए कि कब तक, आखिर कब तक? जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक। जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? लगता नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, सरकार झुकेगी, हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास गवाह है और हम भी इतिहास के गवाही बनेंगे और हम इस समस्या से निजात पाएंगे। कृषि के तीनों कानून वापस करा के रहेंगे और भारत को मुक्त करा के रहेंगे। भारत को मुक्त करा के रखेंगे। बाबा, काहे के लिए आए हैं आप यहाँ पर? किसान के साथ हाल, किसान जाहे का आए हुए तो वहीं में हम शामिल हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छा है। नहीं, हमसे न बोलिए। चलिए ठीक है, किसान के लिए आए हैं, एक बुजुर्ग हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं तो नौजवानों की क्या बात करना, बताइए। हम लोग जो ये हमारे भारत देश के सरकार ये जो तीनों काले कानून लाई है, हम लोग उसके विरोध में पूर्णतः से हैं और जब तक यह बिल वापस नहीं होगा जब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक बिल नहीं वापस होगा हम लोग घर नहीं जाएंगे। हालांकि ये बात हर वो किसान कह रहा है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं सड़कों पर है, लगातार उसका यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। बताइए, आपकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम लोग लोहियाबादी लोग हैं और हम लोगों की बात सुनी जाएगी और ये इतिहास गवाही है कि रीवा क्षेत्र में, विंध्य प्रदेश में, ये दूसरी बड़ी महापंचायत है। एक बार राम मनोहर लोहिया ने संबोधित किए थे और दूसरी ये राकेश टिकैत जी संबोधित कर रहे हैं और उसमें भी हम लोगों की जीत हुई थी, किसानों की जीत हुई थी और इसमें भी जीत होगी, समय चाहे जितने दिन लगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा किसी ज़माने में समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, यहाँ पर भी बड़े बड़े समाजवादी नेता हुए। मैं एकाध जैसे जगदीश चंद जोशी जी का मैं नाम भी ले सकता हूँ। आपने जैसे कि समाजवादियों का जिक्र किया, आज की तारीख में रीवा में तो समाजवाद की कोई बचा ही नहीं। यदि विचारधाराएं बदल गई हैं, दूसरे विचारधारा में चले गए हैं, लेकिन जहाँ पे सरकार है जिनकी, वहाँ पे उस विचारधारा के लोग कम हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं और उन लोगों ने जो हमारे दो हैं उनसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम दो हमारे दो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इनसे यहाँ के लोग दबे हुए हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं और हम लोगों के अंदर आत्मा से समर्थन में भी हैं। राहुल गांधी का वो डायलॉग जिस पे उन्होंने कहा था हम दो हमारे दो, किसके लिए कहा था, क्यों कहा था, हालांकि ये बात पुरानी हो गई, उस पे मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ अभी तमाम किसान नेता, बताइए, सरकार आपकी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे टिकैत जी रीवा आ रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले से, संभाग स्तर से काफ़ी संख्या में किसान आएंगे और ये 14 मार्च को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या है किसान का बल। चंद दिन ही बचे हैं बड़े किसान नेता राकेश टिकैत के रीवा आगमन की तैयारियां यहां पर काफ़ी जोर शोर से हो रही हैं। राकेश टिकैत का अपने आप में इस समय पूरे देश में एक किसान नेता के रूप में उनका एक वो स्थापित नाम, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, ये महेंद्र सिंह टिकैत वही थे जिन्होंने बोट क्लब में आज तक की सबसे बड़ी रैली की थी और उस रैली संसद भवन के पास होने के बाद भी किसी भी तरीके का वहां पर विवाद नहीं हुआ था। हालांकि इस बार 15 अगस्त को जो भी हुआ वो अच्छा, 26 जनवरी को जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वो हमने नहीं कराया था, वो किसी और की साजिश थी।
राकेश टिकैत रीवा आएंगे, उनके कार्यक्रम किस तरीके से हैं, उनका कार्यक्रम क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे, हम इस जानने समझने के लिए यहाँ पर हमारे साथ शिव सिंह और कुंवर सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि राकेश टिकैत का क्या है कार्यक्रम। देखिए, विगत 3 माह से निरंतर मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में आंदोलन चल रहा है किसानों का, जिसमें माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने यहाँ का आमंत्रण स्वीकार किया है और वो 14 मार्च को किसान महापंचायत में शामिल होने करहिया मंडी आ रहे हैं। यहाँ ज़बरदस्त पंचायत का आयोजन होगा और हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। शिव सिंह जी, आप पूरी तैयारी में तो लगे हुए हैं, सवाल ये नहीं है कि आपकी तैयारी कम होगी या आप एक अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपने 60 दिन यहाँ बैठकर ये साबित कर दिया है कि रीवा का किसान भी देश के किसानों के साथ है। मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार नहीं सुन रही, सरकार कहती है कि कृषि बिल बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं या आपके नेता ही ये कह रहे हैं कि ये दो नरेंद्र जो नाम है, अभी हाल में ही आपके एक बड़े नेता ने कहा दो नरेंद्र नाम अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद सरकार सुनेगी? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी का आंदोलन महाआंदोलन है और जितना देर सरकार लगाएगी इन बिलों को वापस करने में, उतने हालात सरकार के स्वयं बुरे होंगे। ये हम यहाँ से घोषणा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं, सरकार समझ जाए। अगर सरकार समझ गई तो ये कृषि बिल को वापस लेगी, देश में अमन शांति चैन बरकरार रहेगा। किसान हालांकि इन बातों में पड़ता नहीं है, वो तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत अपने आप में बड़ा नाम, जी हाँ, राकेश टिकैत के साथ और भी कौन नेता आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं कुंवर सिंह जी के पास। जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ चढ़ूनी साहब, पुनेवाल साहब, विजय सिंह साहब, सुभाषनी अली जी, डॉक्टर सुनीलम जी और हमारे जितने बड़े नेता हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है कि आप आइए, इस रीवा की धरती से आगाज करिए। जो ये बातें चल रही हैं कि किसान थक जाएगा, हार जाएगा, हम बिल नहीं बदलेंगे, इस बात को मिथ्या साबित कर दीजिए और इस विंध्य की धरती से ये आगाज होगा कि ये जो तीनों काले कानून हैं इनको सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। विंध्य की धरती से आगाज होगा, मैं आपको रोकूंगा। विंध्य की धरती से अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 दिन के ऊपर हो गए। जिस तरीके से पेट्रोल ने शतक बनाया है, आपके भी एक आंदोलन ने अपने आप में इतिहास रचा है। दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स ने भी आपको कवर पेज पे छापा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम बिल वापस लेने के मूड में नहीं, इससे अच्छा बिल आज तक आया नहीं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बात कही है कि क्लाज वाई क्लाज बता दीजिए। मैं आज इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि इस हमारे धरना स्थल पर आ जाए और वो क्लाज वाइज क्लाज कृषि कानून का लाभ बता दे। हमारी ये टीम कृषि कानून के नुकसान बताएगी, यदि वो जीत जाएंगे तो उन्हें 10 लाख का हम इनाम देंगे और यदि वो हमें लाभ बताने से वंचित रह गए तो उनको सरकार पर दबाव बनाकर ये कृषि के काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और यदि वो जीत गए तो हम ये धरना समाप्त भी कर देंगे। कुंवर सिंह जी और शिव सिंह जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा के दो बड़े वकील भी हैं, कृषि बिल का बड़ी गंभीरता से आपने अध्ययन किया है। ये दावा तभी किया जा सकता है, 10 लाख रुपए की रकम छोटी नहीं होती, 10 लाख रुपए का ऐलान अपने आप में एक बड़ी बात है जो ये साबित करती है कि इन्होंने कृषि बिल को बेहतर तरीके से शायद पढ़ लिया है और उसकी इतनी खामियाँ निकाल ली हैं कि अगर वो गिनाने बैठेंगे तो दिन काफ़ी छोटे हो जाएंगे और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि हम उन सारी बातों को आप तक पहुंचा सकें। इससे आप अंदाज़ा लगाइए उनकी इस बात से, जहां पर
कृषि उपज मंडी पर जिस तरीके से भी किसान लगातार बैठा रहेगा, आगे क्या होगा, यहाँ पर जब राकेश टिकैत आएंगे तो किस तरीके का माहौल रहेगा, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे और हम इन किसानों के साथ लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, जो भी ताज़े अपडेट होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।